तो सुबह के बजे हैं 8, रौनक का है आज पेपर। साथ साथ मैं उसको पूछ रही हूँ, और मैंने यहाँ पे सीरा डाल दिया था भिगोने को, फुलके बना दिए थे। तो सीरा जिसको निशस्ता भी बोलते हैं, तो मैं उसको अच्छे से घोल दूँगी और उसके साथ इसको मैं छान लूँगी। तो छानने के बाद मैं बनाऊँगी सीरा, क्योंकि सीरा हेल्थी भी होता है, टेस्टी भी होता है, और फुलके के साथ कभी कभी ब्रेकफास्ट में चल पड़ता है। तो शाम की थोड़ी सी सब्जी भी बची है जो मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो वो भी मैं गर्म करके अभी यूज़ कर लूँगी। तो इसमें मैंने एक कड़छी, छोटी कड़छी है, घी डाल दिया था, ज़्यादा गर्म नहीं किया, नहीं तो इधर उधर हर कहीं छिड़ जाता है ये। तो मैंने डाल दिया है इसमें अपना जो ये दूध जैसा बन जाता है, पानी के साथ मिक्स करके छाना हुआ है अच्छे से। तो जब ये थोड़ा सा जमना शुरू हो जाए, तो इसमें मैं डाल दूँगी चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम लोग थोड़ा चीनी ज़्यादा ही लेते हैं, तो मुझे ज़्यादातर चीनी ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड थोड़ी कम खाते हैं। तो फिर भी मैं थोड़ा बीच का जैसा इसमें मीठा डाल दूँगी, और मेरा ब्रेकफास्ट बन के हो जाएगा तैयार। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद रौनक का पेपर हो जाएगा, और फिर मिलूँगी मैं आपसे पेपर होने के बाद। तो यहाँ देखिए मेरा सीरा बन के हो गया है तैयार, और सब्जी मैंने गर्म कर दी है, थोड़ी सी बची थी रौनक के लायक। तो ये है रौनक के पापा की प्लेट, तो मुझे तो चल पड़ता है। इसी के साथ ही जो मेरी कॉफ़ी बची थी फ्रिज में, वो ले लूँगी मैं, और 2 कप में मैं डाल दूँगी। हस्बैंड को थोड़ी कम डालूँगी, अपने लिए ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये अपने लिए ज़्यादा वाला पेस्ट निकाल दिया है, तो एक कॉफ़ी के लायक इसमें और बचा हुआ है। इसमें मैं बाद में फिर नेक्स्ट टाइम डाल दूँगी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं 2-3 दिन तक आराम से, 4 दिन भी चल पड़ता है। तो फ्रिज में रख दूँगी इसको वापस। यहाँ पर मैंने किया है दूध गर्म, तो रौनक के लिए भी इसी में ही दूध है, और अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी। तो हस्बैंड जो है चाय नहीं पीते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, मुझे तो चाय भी पसंद है। तो आज मेरा पेस्ट बना हुआ था, तो मैं वही बना रही हूँ सुबह के लिए। तो चलिए अब अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे रौनक के। तो देखिए दिन को आ गई थी फ्लिपकार्ट वालों की डिलीवरी, तो इसमें इन्होंने ग्लव्स मंगाए थे, मुझे नहीं पता जब मैं यहाँ नहीं थी तब मंगाए होंगे। तो मैं भी कुछ मंगा रही थी, चीज़ें अब आ ही नहीं रही है, कैश ऑन डिलीवरी के लिए अब कोई भी साइट ओपन नहीं है, तो प्रॉब्लम आ रही है। ये पहले की 2-3 चीज़ें मंगा दी थी हस्बैंड ने। हाँ जी महान हस्तियों, कौन कौन से पेपर हो गए तुम्हारे? हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? क्यों देखा स्कूल नहीं जा पाने का, बहुत ही बुरा, और रौनक को बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल तो जाना था, लेकिन फिर क्या हुआ? अच्छा रौनक और ट्विच खा रहे हैं खाना, तो इन दोनों का क्या होता है कि जैसे ही इनका पेपर खत्म हुआ नहीं, ट्विच दर्पण जी और रौनक जी ये मिल जाते हैं इकट्ठे, और फिर इनकी मस्ती हो जाती है शुरू, और फिर ये खेलते रहते हैं। तो अब ये करेंगे लंच, लंच में बना है मिक्स दाल राइस। जैसे ही पेपर खत्म हुआ, तो वैसे ही ये चला गया था द्विज के घर, तो मैंने इन दोनों को आवाज़ मारी और खाना खाने के लिए बुला दिया। तो द्विज की मम्मा जो है वहीं पे ही इनको खाना खिला रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा बना दिया था दोनों के हिसाब से, तो यहीं पे ही आके ये लंच कर रहे हैं। इन दोनों का ऐसे ही होता है, कभी लंच यहाँ होता है तो कभी वहाँ हो जाता है। तो अच्छा लगता है, क्योंकि रौनक के साथ घर पे खेलने वाला छोटा बच्चा नहीं है इसकी उम्र का, तो यहाँ इसके ठीक हो जाता है साथ में द्विज। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैमरा फिट कर दिया था, टेबल के ऊपर रख दिया था, तो इनको नहीं पता था, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी अब। तो जब मैंने इनको बोलने को बोला तब कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में खूब बातें हो रही थी, खाना कम खाया जा रहा था, बातें ज़्यादा हो रही थी। तो रौनक काफ़ी अच्छा और खुश हो जाता है यहाँ पे, तो बस खाना खाने के बाद सीधा ये और निकल जाएगा यहाँ से द्विज के घर, तो वहीं पे ही खेलते रहेंगे ये अब दोनों। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा ठीक है, और घर पर सब ठीक है। दिन है थर्सडे और डेट है 17। डेट और दिन इसीलिए याद रहते हैं क्योंकि रौनक के पेपर चले हैं, तो 3rd दिन उसके पेपर है। आज एक पेपर उसका और हो गया है कंप्यूटर का, तो बंदा पेपर देके सीधा ही अपने फ्रेंड के घर निकल जाता है। तो उसका फ्रेंड जो है उसकी मॉम जो है वो मेरे फ्रेंड भी हैं, तो वो बच्चों को कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, जैसा मर्जी वो करने देते हैं। तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ करती हूँ, मेरे साथ है थोड़ा, मैं बोल देती हूँ ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, तो यहाँ टिकते ही नहीं और भाग जाते हैं। दिन के बजे हैं अभी 2,
2:30 बज गए होंगे, 2 बजे तो मैंने खाना दिया था, बच्चों को चले गए हैं, तो दिन के बजे हैं 2:30, एक घड़ी मैं भी करूँगी रेस्ट। तो सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, सुबह उठी थी, ब्रेकफास्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, फिर उसके बाद रौनक का पेपर वगैरह का जो भी था वो कर दिया, उसके बाद फिर आज अभी तक नहाना धोना नहीं हुआ, फिर लाइट चले गई। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी धूप आती है अंदर कमरे में, ये देखिए बाहर से काफ़ी अच्छी धूप आती है, तो मैंने बेडशीट वगैरह भी निकाली। यहाँ देखिए अंदर फेस पे भी धूप आने लग गई है सामने से, तो बेडशीट वगैरह भी मैंने धोने के लिए निकाली है, तो लाइट ही चली गई, तो बिना लाइट से मैं धो नहीं पाऊंगी, मशीन मुझे लाइट से ही चलानी पड़ेगी। मैं सो जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, कल उतने ठंड नहीं हुई है जैसे घर में, ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई है, तो बस रौनक के पेपर के बाद फिर हम चले जाएंगे वापस घर, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हमारे शौच होता है कैसे, घास काटते हैं कैसे, सुखाते हैं कैसे, उसकी टोलियां लगती हैं, सब कुछ ही। बहुत ही अच्छा वेदर होता है, हल्की हल्की ठंड होनी शुरू हो जाती है सुबह शाम, तो मेरे मायके साइड तो ऐसे भी धूप अब कम आनी शुरू हो जाएगी, तो वहां तो ज़्यादा ठंड होती है, तो चलो कोई नहीं उधर आग जल जाती है, तो चलिए मैं भी करती हूँ एक घड़ी रेस्ट। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, और बाकी क्या बोल सकती हूँ मैं, बाकी मिलती हूँ फिर शाम के टाइम, चाय बनाऊँगी जब तब देखूँगी, ये घड़ी तो सोना ही है मुझे, क्योंकि फिर शाम को भी देर तक मैं एडिटिंग करती रहती हूँ, और सुबह फिर वॉइस ओवर का रहता ही, क्योंकि शाम को भी मैं एडिटिंग करती हूँ, सुबह भी मैं फिर ध्यान से देखती हूँ, कुछ कमी अपनी तरफ से कोशिश होती है कि अच्छी वीडियो बनाऊँ, बाकी फिर जिसको अच्छी लगे वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उतने में फिर रौनक आ जाएगा, फिर तो तबाही हो जाती है, और लाइट नहीं है फिर तो ज़्यादा ही, कि लाइट होती है फिर ऐसे कि टीवी लगा के रखो फिर टीवी देखता रहता है, लाइट नहीं होती है तो मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए, मम्मा बात करता है ज़्यादा, परेशान नहीं करता है, उसकी बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं, तो फिर वो सोने नहीं देता है फिर। चलिए एक घड़ी रेस्ट करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर करो तो आवाज़। तो शाम के बज चुके हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, मैं सो गई थी एक घड़ी, फिर मैं उठ गई, ये देखिए सब अच्छे होने वाले हैं, और यहाँ देखिए हस्बैंड और मैंने पी ली है चाय, तो ये देखेंगे अब टीवी। मैं जा रही हूँ रौनक के पास, उन दोनों ने खाना खाया और यहाँ से भाग गए, तो आज रेड पड़ेगी उन पे, आप भी देखना कहाँ रौनक मस्त होता है पूरा पूरा दिन भर। तो चप्पल कहाँ होगी मेरी, लाइट चली गई थी हमारी, तो चार्जर साथ में डाल के आपको दिखाऊंगी मैं रौनक क्या कर रहा है लाइव। हाँ देखूंगी। तो मेरे घर के साथ जो अगली साइड को दीवार दिखती है ये वाली, तो ये इनका ही घर है, ट्विच का घर ही है, मेरी फ्रेंड का ही घर है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से दिख रहे हैं ये बिल्कुल अपने रूम के साथ बाहर को कुछ कर रहे हैं, शायद बोरी में जितने भी खिलौने भर के रखे हैं सारे निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ से नीचे चले जाऊँगी, यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हैं नीचे के लिए, और यहाँ पे सामने ही भैया खड़े हैं। मेरा नाम दिनेश है और द्विज का पापा हूँ मैं, और मेरा भी एक चैनल शिक्षा अंकुर करके चला है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको, बहुत अच्छा ब्लॉग इन्होंने क्रिएट किया है हिमाचली मॉम स्टूडियो करके, मैं भी उसका रोजाना का दर्शक हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। तो इन्होंने भी काफ़ी सारी क्रिएटिविटी की है यहाँ पे, देखिए मेरी थोड़ी बैटरी डाउन है, मुझे तो ये दिखाने हैं दोनों बंदे। हाँ जी, तुम दोनों के लिए ना मैं चार्जर से निकाल के लाई हूँ, 15% बैटरी है मेरी। क्या है ये इस वाले में, क्या है इस वाले में, अंदर भी ठीक ठाक होना किया ना? अच्छा, बड़े पटले वाले तुम तो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से दिखता है कितना सुंदर सा व्यू, काफी खुली सी स्पेस है यहाँ पे आगे को। तो मैं अंदर चली गई थी, उतने में मुझे भैया ने बताया जो बाहर हैं कि वो यहाँ नहीं है, मेरे फ्रेंड का रूम है ये, तो वो वहाँ देखिए वहाँ खेत गए हैं। मेहमान आए हैं मैडम जी। तो देखिए ये मुझे बोल रहे हैं कि जाओ बनाओ खाओ और मुझे भी खिलाओ। तो यहाँ से मैं चले जाऊँगी इनके खेत और अपना मोबाइल लगा दूँगी यहाँ चार्जिंग पे, और यहाँ से आगे ले लूँगी मैं भैया का मोबाइल, द्विज के पापा जो कि टीचर हैं तो वो मुझे अपना फ़ोन दे देंगे, क्योंकि मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना था। अभी लाइट आई, दिन को लाइट
लाइट का बड़ा इशू हो रहा है इस बार, तो मुझे चार्जिंग पे लगाना है यहाँ पे अपना मोबाइल। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको खेत, खेत में क्या है यहाँ पे। तो ये इन भैया का ही फोन लेके जा रही हूँ मैं, अपना फोन मैंने इनके रूम में ही चार्जिंग पे लगा दिया। अच्छा मुझे रास्ता ही नहीं पता चल रहा है, यहाँ से जाऊंगी मैं अब नीचे। यहाँ देखिए काउ शेड, और यहाँ से देखिए सीधा ही टनल बनी है अंदर से, गौमूत्र सीधा ही यहाँ जा रहा है और यहाँ से जाएगा आगे। तो काफी अच्छी क्रिएटिविटी है ये भी। और मेरी फ्रेंड कुछ यम्मी यम्मी बना रहे हैं और मुझे नहीं पता मैं किधर से जा रही हूँ। यहाँ से उतर जाऊंगी मैं नीचे और चले जाऊंगी अब खेत। तो खेत में भी मैंने अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं, अपनी फ्रेंड्स की वीडियो बनाई है और पत्ते दिखाए हैं, कुछ पेड़ दिखाए हैं। यहाँ पे आलू के पत्ते बहुत ज़्यादा थे, तो अपनी फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी थी। तो मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे ही एंड, मिलूंगी नए वीडियो में अपनी फ्रेंड के साथ। तब तक के लिए बाय।